ये तिथि और जगह तो एक तरह से घोषित हो ही चुकी है कि 12 तारीख को पटने में अधिकांश विपक्षी दलों की बैठक होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिले जितने भी लोग विपक्ष में थे, और अब जो बातें चल रही थी कि अब बैठक होनी है, बिहार की धरती से मैसेज देना है, तो वो तिथि तय हो गई है, जगह भी तय हो गया है। 12 जून को बड़ी बैठक राजधानी पटना से होने जा रही है। विपक्ष के तमाम दल यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसी पर हमने जब सवाल पूछा, बिहार सरकार के मंत्री और नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता हैं विजय चौधरी, उनसे कि आखिरकार कौन कौन से लोग आएंगे, क्या क्या होगा इस बैठक में, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने की ये सबसे बड़ी और पहली बैठक पटना से होने जा रही है, और जिसमें सभी लोग विपक्ष जितने भी नेता हैं लगभग लोग यहाँ पर आएंगे, और जो लोग नहीं आएंगे उन्होंने भी अपनी बातों को स्पष्ट कह दिया है। अब ये सवाल था कांग्रेस भी आएगी, तो उन्होंने कहा है कांग्रेस को भी निमंत्रण भेजा गया है, लेकिन जो बातें विजय चौधरी ने कही है वो हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन 9 साल बेमिसाल पर भी जोरदार हमला किया है, वाकई में ही उन्होंने भी मान लिया है कि 9 साल तो बेमिसाल है, क्योंकि गांधी की मूर्ति का अनावरण ऑस्ट्रेलिया में जाके करते हैं लेकिन भारत देश से गांधीवाद खत्म कर रहे हैं। जरा सुनिए किस तरीके से 9 साल बेमिसाल माना है। और इसमें श्रेय लेने देने की बात नहीं है, ये तो पहल करने की बात है। और ये तो पूरे देश ने देखा है कि पहल तो हम लोगों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा कई जगह जा के सारे विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत करके और एक पूरे देश में माहौल बनाया है, ये सब लोगों ने देखा है। तो पहल तो नीतीश कुमार जी ने की है। हालांकि ये भी बात है कि आखिर सहयोग और इच्छा दिल में सभी दल के नेताओं की है, तभी तो आ रहे हैं, उनके मन में भी वही बात थी। तो पहल नीतीश कुमार जी की है, लेकिन सहयोग, इच्छा, समर्थन और फिर एकजुटता की कवायद सब लोगों के इच्छा से और सब लोगों के सहयोग से ही संभव है। ये तिथि और जगह तो एक तरह से घोषित हो ही चुकी है कि 12 तारीख को पटने में अधिकांश विपक्षी दलों की बैठक होगी, जिसमें आगे के रणनीति पर विचार होगा कि लोकसभा चुनाव में कैसे गैर भाजपा सभी विपक्षी दल एकजुट होकर, आपस में एकमत होकर कैसे लड़ें, उस पर बातचीत होगी। क्योंकि अब ये बात लगभग सभी मान चुके हैं कि अगर सभी दल एकजुट हो गए तो फिर भाजपा वापस सत्ता में नहीं आ सकती है, यह लगभग सब लोग अब आश्वस्त हो चुके हैं। अब इसमें जो भी विपक्षी दल हैं उनको बैठकर व्यवहारिक दृष्टिकोण से आपस में सभी चीज़ों के बारे में राय शुमारी करके एक निर्णय हो जाएगा, और फिर देख लीजिएगा 24 के इलेक्शन का नतीजा किस तरीके का है। कितनी महत्वपूर्ण बैठक मानते हैं सर इस बैठक को, इसका क्या श्रेय नीतीश कुमार को देंगे आप लोग, चूंकि नीतीश कुमार ने एक बड़ी पहल की उसके बाद यह बैठक हो रही है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक